शहर में जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं डेली मार्केट थाना क्षेत्र में लगभग 11 डिसमिल जमीन है, उसको लेकर आज सुबह से विवाद हो रही थी, जिसके नाम पर है जमीन। उन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या मामला था। खाली करवाने आए थे, खाली हम जब यहाँ पहुँचे तो गार्ड को खड़ा था, हम तो अपना दरवाजा पर खड़ा होकर वो सामान अंदर घुसा रहा था, सामान नहीं जान अंदर जाने दिए, तो बंदूक लेके खड़ा होकर बोल रहा है कि हम ताला नहीं लगाने देंगे, हाथ ढकेल दिया है। अब बोला जमीन जिसका उसी का होगा, आपका जमीन नहीं है। तो इसको लेकर पुलिस को सूचना दिए थे कि क्या? हाँ दिए थे। पुलिस आई, सब बात सुनी, फिर सब काम रुकवा दिए, वहाँ ताला लगाने दिए सब काम को। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग वहाँ बहुत देर बैठे रहे, उन लोग भी वहाँ बैठे रहे, कुछ बकझक हुआ, रितेश कुछ बोला चाला, तो हम बोले कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, तो बोलता है कि देख लेंगे आप, ऐसे नहीं करने दीजिएगा। हमारे साथ तो उनकी बेटी है, उनसे जाने की कोशिश करेंगे पूरे मामले में कि मैम आज सुबह में आपको क्या सूचना मिला था, क्या हुआ था इस जगह पे? सुबह हम लोग को फोन आया कि आप लोग का घर का ताला तोड़ के कुछ लोग बाहर खड़े हैं, दो लोग बंदूक लेके खड़े हैं और जबरदस्ती घर के अंदर कुछ सामान घुसा रहे हैं। हम लोग जल्दी जल्दी आप पहुँचे यहाँ पे तो देख रहे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, दो बंदूकधारी भी खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि हम लोग घुसना चाह रहे हैं तो घुसने भी नहीं दे रहे हैं, हाथ से हम अपना गेट पे ताला लगाना चाह रहे हैं तो मेरा हाथ पकड़ने की ताला नहीं लगाने देंगे, कैसे तुम लोग क्या करोगे देखते हैं। उसके बाद बोले, हम बोले आप सुप्रीम कोर्ट हैं, तो बोलते हैं हाँ कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग, ये जमीन उन्हीं का है, सुमन साहब जो है उन्हीं का रहेगा, आप लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम बोले आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझ रहे, बोले हाँ जो समझना है समझिए, आप लोग को जो करना है कर लीजिए, और बंदूक दोनों पकड़े हुए हैं सामने। क्या डर लग रहा था? क्या कैसे नहीं लगेगा, हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग तो सोचे कि मेरा जमीन है, कौन जा रहा है देखने के लिए, अब बंदूक लेके लोग खड़े हैं, जो चीज़ हम लोग कभी नहीं देखे तो हमें तो डर लगेगा ही, सामने बार बार बंदूक दिखाने इसका क्या मतलब है। तो बस डर से हम लोग पर पुलिस आई, पुलिस आके सब काम रुकवाई, ताला लगवाई है, आश्वासन दिया है कि अब यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अब जो उचित कार्रवाई है स्टे लगाना है जो भी करना वो कर किया जाएगा, बस यही है अभी तक। हमारे साथ उनके नाती जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में क्या आपको सूचना मिला था। मेरे को हमको सूचना मिला मौसी के द्वारा कि ऐसा ऐसा ज़मीन है, कुछ लोग आ गए हैं कब्जा करने की नियत से, फ़ोटो भी उनके द्वारा भेजा गया, वीडियो तुरंत की देखो कोई आ गया, तुरंत हम आनन फानन में आए अपना स्कूटी लेके, तो देखे एक काला कपड़ा में पहने हुए है, मतलब आदमी था, एक राइफल आपका पकड़े हुए था दाहिने हाथ में, और उसके साथ एक आर्मी ड्रेस में चितकबरा कपड़ा पहने हुए था एक बंदा उसको, और वो लोग दोनों मतलब कि अब प्रतीत हो रहा था कि वो उनके अंगरक्षक है, लेकिन अंगरक्षक वाला कोई काम नहीं कर रहे थे, वो लोग मतलब बंदूक की नोक पे इस फिराक में थे कि आम पब्लिक है, लेडीज़ है, हम बंदूक का नोक पे इन लोग को पीछे हट कर देते हैं, जमीन पर कब्जा, हाँ जमीन पर हम कब्जा कर लेते हैं। इसको लेकर आप लोग शिकायत दर्ज? हाँ शिकायत दर्ज हो गया है, तो प्रशासन की ओर से काफ़ी सहयोग रहा है, प्रशासन ने बोला भी है कि जो जो सक्षम पदाधिकारी है उनके पास लिख के दीजिए, उनसे जो कागज निर्गत होगा वो ला कर दीजिए, और अभी हम तत्काल में बंद करवा दे रहे हैं, दोनों का ताला लग गया है, कोई अभी जमीन पर नहीं चढ़ेंगे। इनके तरफ से एक आदमी आता है शंकर कुमार गुप्ता, जो कि लोअर बरा थाना में भी उसका केस दर्ज है, वो सामने भी जमीन कब्जा करता है और यहाँ भी जमीन किया हुआ है। हमारे पास आए थे जो ओनर थे यहाँ के, वो अपना पेपर लेकर आए थे 1940, ठीक है मैं कलकत्ता डेट लेकर आया था, तो मैंने उसको तीन तीन बार सर्टिफाइड कॉपी निकाला, और तीन बार सर्टिफाइड कॉपी निकालने के बाद मैंने उसे रजिस्ट्री करवाया, रजिस्ट्री करवाने के बाद मैंने सीओ ऑफिस पर जाके क्लेम किया म्यूटेशन के लिए, जब म्यूटेशन पर गया तो दोनों पक्ष का सुना गया, तो ये केस चल गया था फिर एलआरडीसी ऑफिस में, एलआरडीसी में केस चला, एलआरडीसी से मेरा डिग्री हुआ। मगर सीओ ऑफिस में आपको रिजेक्ट किया गया था? रिजेक्ट नहीं, रिजेक्ट किया था दोनों पक्ष को, क्योंकि इस वक्त का मामला था, तो ये मामला चल गया था एलआरडीसी में, एलआरडीसी में मैंने म्यूटेशन अपील का दाखिल खारिज किया था, तो वहाँ से भी मेरा डिग्री हुआ है सर, तब जाके सीओ ऑफिस से मेरा यहाँ पर म्यूटेशन हुआ है सर। एक्चुअल 1955 से म्यूटेशन का प्रावधान निकला हुआ है, पर 1955 से लेकर 2017 तक इन्होंने म्यूटेशन कभी नहीं कराया जमीन, ये जमीन में कोई रहता नहीं, अब जमीन का हालत देख सकते हैं, टूटा मोटा मकान है, और हम लोग म्यूटेशन जब यही लोग का जमीन होता तो ये लोग म्यूटेशन जरूर करवाते पहले 1955 के बाद, ये सब झूठा आरोप है, ये लोग जबरदस्ती किया जाता है। म्यूटेशन तो इनके पास भी है, 2017 में हुआ है सर, 2017 में हुआ है म्यूटेशन। मेरा म्यूटेशन हम जब खरीदे तब मेरा म्यूटेशन हुआ, इधर हुआ है। हाँ कितना से कट रहा है आपका म्यूटेशन? मैंने इन लोग से कटा है म्यूटेशन। कितना मतलब 2017 या से कट रहा है? मेरा म्यूटेशन हाल में कटा है सर, एक हफ्ता पहले मेरा म्यूटेशन हुआ है, एलआरडीसी का ऑर्डर के बाद मेरा म्यूटेशन हुआ है। मतलब एलआरडीसी आपको परमिशन दे दिया क्या? आपको एलआरडीसी ने दोनों पक्ष को सुना, पेपर देखा, एलआरडीसी ने जाँच किया, जाँच करने के बाद फिर वो मेरे ऊपर डिग्री दिए, मेरे फेवर में डिग्री दिए, तब जाके सीओ ने म्यूटेशन किया।
डेली मार्केट थाना प्रभारी की ओर से काम बंद करवा दिया गया है और जो सामान गिरे हुए थे उस सामान को हटा लिया गया है। अब देखना होगा कि जिसकी ज़मीन है उन लोगों को कब तक इंसाफ मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ बाइस्कोप मुर्शीद रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुल्ट उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि उठा लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE NEET की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कम्प्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंकवेट हॉल, डिप्टी बाईपास रोड, रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची।